अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिया नौरीन। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। यकीनन आप लोग भी ठीक होंगे। नाजरीन, मॉर्निंग शो तो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको साथ साथ ये बताती चलती हूं कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो, और फेसबुक पे हमारा पेज भी मौजूद है। फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो, HELLO हेलो, MORNING, बिल्कुल हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन के पे, यकीनन हमारा नंबर भी चल रहा होगा 02135890271। जी बिल्कुल, आज जो हम जिस गेस्ट से आपको मिलवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अभी मैं, वो है फैशन डिजाइनर सोनिया सज्जाद। सोनिया सज्जाद आई है, फैशन डिजाइनर है, वो फैशन के बारे में बताएंगे कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की वेयरिंग करनी चाहिए, किस तरह का गेटअप रखना चाहिए। और क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी खवातीन सुनकर तो बिल्कुल भी वो एक्टिव हो गई होंगी कि फैशन की बात हो रही है, फैशन डिजाइनर मौजूद है हमारे साथ। जी बिल्कुल, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोनिया जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। जी वो तो हम आपको बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट भी यही कहा था कि हम आपको तंग करते रहेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। कैसी है हमारा काम है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ठीक है जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि फैशन आपकी नजर में क्या चीज है, मतलब क्या समझती है आपकी फैशन क्या है? फैशन जो है अपने आप को एनहांस करना है, अपनी ब्यूटी को, अपने फीचर्स को, आपको खुद अपनी अपने तौर से देखना चाहिए कि किस चीज को आप क्या वेयर करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होकर निकलेगी। दिस इज कॉल्ड फैशन। अच्छा जी, और फैशन में आने का आपका मतलब ये बहुत पुराना पैशन था, शौक था, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब इट्स माय चाइल्डहुड विश। नहीं, ये मेरा बिल्कुल चाइल्डहुड पैशन नहीं था, मेरा बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं था, बस अचानक ही ऐसा हुआ। मैं कुछ टॉम बॉय टाइप की लड़की थी, बिल्कुल मुझे कोई कपड़े वपड़े ये वो इनसे कोई लगाव नहीं था। मींस मैं ग्रेजुएशन तक तो जॉगर्स ही वेयर करती थी, बस शलवार कमीज भी पहन रही हूँ तो जॉगर्स ही पहन रही हूँ, इतनी टॉम बॉय थी मैं। लेकिन बस अभी 2-3 साल पहले बस इतना ज्यादा क्रेज होना शुरू हो गया ड्रेसिंग का, और लोगों को देखकर थोड़ा वियर्ड लगता था कि यार ये इन्होंने किस तरह से ड्रेस किया। फिर लोगों को बताती थी तो लोग बोलते थे तुम खुद शुरू कर दो फैशन डिजाइनिंग। लोग मुझे अक्सर बोलते थे कि यार हमें बताओ कि इस तरह से, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सही। तो आपने कहीं से सीखा है, ट्रेनिंग ली है, कोर्स किया है? एज सच तो कोई नहीं आता, फैशन भी और ये सब चीजें क्रिएटिविटी से आती है। अगर आप आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है आप कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत हो। तो ये कितने सालों का experience? मैंने मुझे स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा रन कर रही हूँ मैं, और बस घर में करती हूँ ये काम मैं। अच्छा, तो किस तरह से जो आपके क्लाइंट्स वगैरह हैं वो किस तरह से आपको ऑर्डर करते हैं, किस तरह से परचेज करते हैं आपसे? मैं ऑनलाइन करती हूँ, मेरे पेज पे ऑर्डर्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैं हूँ तो वहाँ से मुझे रीच करते हैं, फैशन शोज करती हूँ। अच्छा जी, तो जो क्लाइंट्स आते हैं आपके वो किस तरह के आते हैं ज्यादातर? नॉर्मल कैजुअल यूजिंग के कपड़े लेने के लिए, या फिर ब्राइडल के लिए, या फिर ब्राइडल वेयर्स के लिए? ब्राइडल्स पे मैं इतना ज्यादा काम नहीं करती, मेरा जो टारगेट है वो टीन गर्ल्स एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए है, और ऐसा नहीं है कि मैं वुमेन्स के लिए नहीं बना रही कपड़े। वरना फिर खवातीन तो नाराज नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली कट्स पे काम करती हूँ। लड़कियों को बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट्स एम्ब्रॉयडरी नहीं पसंद आती तो मैं उन पर काम कम करती हूँ। जैसे सीजन होता है, ईद सीजन है या वेडिंग सीजन है, उस पर एम्ब्रॉयडरी चल जाती है, अदरवाइज तो फिर मतलब कैजुअली बंदा लेता है, फिर कट्स पे बनाती हूँ काम। सही, तो सबसे ज्यादा आपके सारे ड्रेसेस में सबसे ज्यादा कौन सा कलर होता है कि मतलब ये कलर तो लाजमी डालना ही डालना है? नॉर्मली जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट तो कॉमन कलर्स हैं जो एवरी सीजन चलते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर सीजन के ऊपर आ जाते हैं। हमारे आजकल काफी अवेयरनेस हो गई है लोगों में, लोग फिर सीजन के हिसाब से कपड़े लेते हैं, क्योंकि कराची में तो ऑलमोस्ट समर्स ही रहती है तो लोग लाइट प्रेफर करते हैं कपड़े। हाँ, डे टाइम में लाइट प्रेफर करते हैं, फिर रात में जो है वो थोड़े डार्क कलर्स पे जाते हैं, और आजकल तो वैसे भी गर्मी का सीजन है तो लोग प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर्स ही पहने।
अच्छा जी, तो जिस तरह आपने बताया कि लाइट कलर ही प्रेफर करते हैं और आपका जो टचअप होता है वो लाजिम ब्लैक का होता है जी, तो भी हाँ ब्लैक कलर ऐसा है कि हर एक पे मर्ज हो जाता है, और उस पर हर फ्लोरल प्रिंट हो या एम्ब्रॉयडरी हो या कोई एम्बेलिशमेंट हो या डायमंडीज हो, उस पर निकल कर आता है काम थोड़ा। क्या ऐसा तो नहीं करते हैं आप लोग कि मतलब एक थिंकिंग होती है ना कि ब्लैक कलर में इंसान थोड़ा सा कम लगता है, कोई बल्कि भी है तो वो थोड़ा कम लगेगा, तो इस वजह से तो क्या ये आपकी कहीं ये सोच तो नहीं होती है कि मतलब किस हर कपड़े में ब्लैक का टचअप किस तरीके देना है कि वो जिस तरह की भी खातून वेयर करें तो वो उसमें मर्ज हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक कलर से ही आप स्लिम लुक ले जी, और भी बहुत सारे प्रिंट्स भी होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं जिससे आपका स्लिम लुक आता है, और ब्लैक का टचअप देने से स्लिम लुक नहीं आएगा। ओवरऑल कट पे भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप घेर वाली फ्रॉक पहन ले ब्लैक कलर की तो वो आप स्लिम लगेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कट की जरूरत होती है, फ्रॉक्स में भी कट्स की जरूरत होती है। अच्छा जी, तो जिस अगर बहुत ज्यादा कोई बल्कि खातून होती हैं वो आ गई, उन्होंने ये कहा कि मुझे उनको किस तरह के कपड़े फैब्रिक स्टफ होता है आपका, तो वो किस तरह के आप वो करती हैं, उनको प्रेफर करती हैं? देखिए, फ्लोई फैब्रिक हर कोई पसंद करता है क्योंकि वो जिस्म पे ढलक जाता है काफी, तो आपके फीचर्स पता चलते हैं, आपके कट्स पता चलते हैं, आपका फिगर आउट होता है जी। तो उससे ये होता है, और अगर कोई ऐसा अकड़ा हुआ कपड़ा या स्टार्च वाला कपड़ा या जैसे नेट्स होती है काफी अकड़ी हुई वो पहनेंगे तो ऑब्वियसली आपका ब्रॉड लुक आएगा, तो हम प्रेफर करते हैं शिफॉन सिल्क्स। तो ये जो स्टफ्स होते हैं ये भी आपके अपने होते हैं या परचेज करती हैं? मतलब परचेज करते हैं, परचेज करती हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगी कि अभी इतनी गर्मी, अभी आजकल तो गर्मी हो गई है। हाँ, आजकल तो फिर पता नहीं कहाँ से गर्मी वापस आ गई। अभी कहाँ से आ गई है? लास्ट वीक हम लोग सोच रहे थे कि बस अब विंटर आ रही है, अभी बस लास्ट बैच है गर्मी का, क्योंकि दिन में शदीद गर्मी और रात में अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा था, लेकिन अब फिर गर्मी शुरू हो गई है तो हम लोग तो अभी तक लॉन्स पे ही हैं, कैमरे पर जा ही नहीं रहे। सही बात है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि अभी सब ये कहते हैं, वैसे अमूमन गर्मी होता है कि जितनी भी गर्मियों के कपड़े हैं वो सारे उठाकर बांध बुंद के ऊपर रख दो कराची में, बट वो सर्दी आकर ही नहीं देती यहाँ। तो अभी आप किस तरह के कपड़े वो कर रही हैं, अपने मतलब डिजाइन कर रही हैं? आजकल नेट्स हैं, लॉन्स हैं, खाड़ी लॉन्स हैं, खाड़ी नेट है। अच्छा, और लिनन है, बोस्की लिनन है, ये सब जो है ये ऑल सीजन में ही चलते हैं और अभी भी चल रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। स्क्रीन प्रिंटिंग काफी इन है आजकल, और लोग वैसे भी आजकल वेडिंग्स में भी लोग प्रेफर करते हैं कि हम लाइट फैब्रिक लाइट स्टफ पहने ताकि उनको मूव करने में आसानी हो। तो मतलब भले ही शादी हो, अगर भाई बहन की भी शादी हो तो इट डिपेंड्स शिफॉन्स आप वेयर कर सकते हैं, शिफॉन्स में इतनी गर्मी नहीं लगती है। तो और उसमें आस्तीने वगैरह किस तरह से? अच्छा, आपके जो ज्यादातर कपड़े होते हैं जो आप डिजाइन करते हो तो वो स्लीवलेस या क्वार्टर स्लीव्स या फिर इट्स अप टू कस्टमर और क्लाइंट कि वो क्या चाह रहा है, कि किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है। मेरे रैम ड्रेसेस अक्सर स्लीवलेस ये होते हैं, तो अगर किसी क्लाइंट को पसंद आते हैं तो मैं उसमें स्लीव्स ऑल्टर करा देती हूँ। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर मतलब कोई रेड कलर का ड्रेस है, रेड है, येलो है, अब वो स्लीवलेस है, और अगर अचानक से आपके पास क्लाइंट आ जाती है, ये कहती है कि सोनिया मुझे ये चाहिए बट इसमें मुझे स्लीव्स आप अटैच करके दे दो अभी, तो ऐसा होता है कि वही सेम फैब्रिक आपके पास अवेलेबल हो? जी, जब ड्रेस कंप्लीट तैयार होता है तो उसके साथ स्लीव्स बनती हैं, और ये क्लाइंट की मर्जी पर होता है कि वो स्लीव्स अटैच कराए या नहीं कराए, तो उस वक्त अवेलेबल होती हैं। और अगर ना करवाए तो वो आप लोग अपने पास रख लेते हैं या फिर दे देते हैं उनको? वो एग्जैक्टली वो क्लाइंट की मर्जी होती है, वो छोड़ के जाना चाहे छोड़ दे। अच्छा जी, तो फिर वो क्या करते हैं आप लोग, जो फिर एक्स्ट्रा स्लीव्स जितनी भी हो जाती है वो किसी उसे कॉलर बन जाते हैं, उसे कफ्स बन जाते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, ये तो टेलर मास्टर का काम होता है। सही बात है, तो आपके यहाँ ये टेलरिंग का काम कौन करता है, मतलब जो कितने मास्टर्स रखे हैं आपने? मास्टर्स तो मेरे पास अभी फिलहाल दो हैं जो बहुत पाए के हैं मास्टर्स, और मेरे ख्याल से उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता यहाँ पर। मतलब उनको किसी भी तरह का आप प्रिंट आउट दे दीजिए, आप उनको किसी तरह का भी सैंपल आप ला कर दे दें, वो डिक्टो कॉपी आपको बना कर दे देंगे। इवन यूएस के भी डिजाइन मैंने उससे बनवाए,
गॉन्स बनवाए हैं वो इतने जबरदस्त बनाकर देता है कि कोई पहचान नहीं सकता। अच्छा, तो वो आपने अपने लिए बनवाए या क्लाइंट्स के लिए? Obviously क्लाइंट के ही काम करते हैं ना। अच्छा, और आप अपने नहीं बनवाती उनसे? मेरे तो बनाए गए। वो तो उसकी मजबूरी भी है ना कि सोनिया मैडम ने कह दिया अब तो बना है, वरना फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। अच्छा जी, और पार्टी वेयरिंग के लिए बताएं सबसे बेस्ट जो होता है नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे भाई बहन की शादी नहीं है, घर पे नहीं है, अगर किसी रिलेटिव के जाना है या फिर मोहल्ले में किसी की शादी है उसके यहाँ जाना है, दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनके यहाँ किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए अगर शादी है तो? मुझे बहुत अच्छा इस दफा का ट्रेंड लगा कि बहुत सारे आप गॉन्स बनवा लें और दो चार इनर्स ले लें। बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक आता है इसमें। मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ गॉन्स पहनना, शॉर्ट गॉन्स, लॉन्ग गॉन्स इन है आजकल, और उसके साथ स्ट्रेट पैंट्स या सिगरेट पैंट्स, आजकल एम्ब्रॉयडर्ड सिगरेट पैंट्स आ रही हैं, चल रही हैं काफी, जामावार चल रही हैं। अच्छा, जामावार अभी भी इन है? जी, जामावार इन है। तो जामावार कुछ अजीब सा नहीं लगता, मतलब जैसे पुराने जमाने का या बनारसी लुक आ जाता है? नहीं, वो ब्रोकेट होता है जो शायद आपको बुरा लगता होगा। बहुत शार्प एंड शाइन होता है वो जी। लेकिन जामावार बहुत डेलिकेट, जो प्योर जामावार होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं और उनकी पैंट बहुत अच्छी लगती है। सिल्क की पैंट पर एम्ब्रॉयडरी चल रही है आजकल। सिल्क की पैंट पे, मतलब ये नीचे की साइड पे? जी, नीचे की साइड पे, ठीक है। क्योंकि नी लेंथ चल रही है आजकल, लॉन्ग इतना ज्यादा शर्ट्स इन नहीं है, तो नी लेंथ पर ये होता है कि फिर आपका ट्राउजर काफी नजर दिख रहा होता है तो। और फिर आप उसके साथ गॉन वेयर कर लें, कोई लाइट वेयर गॉन, अगर आपका इनर हैवी है तो गॉन लाइट कर लें, और गॉन हैवी है तो इनर बिल्कुल प्लेन कर लें। अच्छा जी, तो इस तरह के, मतलब आजकल आपको ये पसंद है तो इसी तरह से लोग पहने। हाँ, अगर ट्रेंड ये शादी में जाते हैं तो ये ना कहें कि यार ये तुमने क्या पहन लिया है, बिल्कुल अजीब सा, इतना नहीं, नहीं, आजकल ट्रेंड यही है। ठीक है, टेल्स आउट है, बिल्कुल टेल्स नहीं इन है। अच्छा, स्ट्रेट गॉन्स इन है। ठीक है, तो स्ट्रेट वो किस में, कौन से कपड़ों पे, स्टफ कौन सा होना चाहिए? स्टफ कोई सा भी, शिफॉन हो सकता है, नेट है आजकल, नेट बहुत अच्छी अच्छी आई हुई, नेट आप वो ले सकते हैं, खाड़ी नेट है वो बहुत। नेट पे आप क्या क्या बनाते हैं? अगर नेट का कपड़ा आपको दे दिया जाए कि सोनिया जी ये आपने ये ले लिया है, इट डिपेंड्स ऑन नेट। अच्छा, एम्ब्रॉयडर्ड नेट अलग है, प्लेन नेट अलग है। ऐसा नहीं है कि प्लेन नेट में जो चीज नहीं बनती है वो जबरदस्ती बना लें या बनवा ली जाए तो वो आउट लगता है या इजी टू कैरी नहीं होता है, क्या होता है? कुछ नेट्स ऐसी हैं जिन पे आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अच्छा, आप एम्ब्रॉयडरी बनवा सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है कि ये आरी का काम हुआ हुआ है और ये बहुत फिजिबल है, आप नॉर्मल कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लुक्स हैं, जैसे ईद, इस ईद पर काफी कैजुअल लुक चला, मतलब लोगों ने ज्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं लिए। अच्छा, तो आरी का काम काफी फिजिबल लगता reason, है। गर्मी तो नहीं थी? गर्मी एग्जैक्टली रीजन होता है, और तो ये होता है कि बकरीद पे काम भी ज्यादा होता है तो लेडीज प्रेफर करती हैं कि लाइट वेयर करें, लाइट वेयर करें ताकि वो काम में प्रॉब्लम ना हो। वैसा नहीं कि वो गॉन वगैरह पहन के तो घर पे एग्जैक्टली वो स्ट्रेट शर्ट्स इन है तो वो उससे भी आसानी हो जाती है। हाँ जी, ये तो है। तो उसमें भी स्लीव्स वगैरह का कुछ ऐसा ही है कि मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे है? जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें भी आप स्लीव्स ऐसी करती हैं कि आपने? कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनमें स्लीव्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लुक आता है। अच्छा ठीक है, वो आप बताएं मुझे और हमारे क्लाइंट हमारे कजिन को भी बताएं, हमारे तो क्लाइंट नहीं, वो आपकी क्लाइंट बनेंगे इंशाल्लाह। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनपे हमें सिर्फ स्लीव्स पे वर्क देना होता है। अच्छा जी, तो उससे ड्रेस का लुक निकल कर आता है। जिस पे स्लीव्स पे हम वर्क देते हैं उस पे कोशिश करते हैं कि हम नेक पे काम ना दें। मतलब जिस पे स्लीव्स पे काम करते हैं आप लोग एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो फिर नेक पर ज्यादा हैवी एम्बेलिशमेंट ना हो, अगर हो तो बहुत लाइट सी हो, ठीक है, और या फिर दामन और स्लीव्स पे काम हो। अच्छा जी, ठीक है। तो आप अपने साथ ड्रेसेस लेकर आए कुछ, ये तो इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। ये मेरे थोड़े सेमी वेस्टर्न टाइप के ड्रेसेस हैं, पहले मैं हमेशा आपको ईस्टर्न ड्रेसेस लेकर आती रही हूँ यहाँ पर, और ये कुछ सेमी वेस्टर्न टाइप के हैं, ये कुछ क्लाइंट्स के ऑर्डर के, कुछ रैम के। एक मेरे पास ब्रैडल गॉन है और एक ये थोड़ी सी फ्लोई फ्रॉक है, कट है इसमें। अच्छा जी, कट किस तरह से, वो भी तो मैं हम मतलब खड़े होकर डिस्प्ले करेंगे नाज़रीन को भी। हाँ बिल्कुल, डिस्प्ले करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछती चलती हूँ कि अभी जब अगर
अचानक से ही वेदर चेंज हो गया और बहुत सारे कपड़े आप लोगों ने बहुत गर्मियों के बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों का मौसम है तो नहीं, अक्टूबर है बट फिर भी गर्मी है यहाँ तो अचानक से अगर ये सर्दी में कन्वर्ट होता है, मतलब एक दिन अगर बारिश हो गई कराची में तो सर्दी आ गई, हवा चलने लगी बारिश हो गई सर्दी आ गई, तो ये जो आप इतने सारे कपड़े माशाल्लाह से ये गर्मियों वाले जो सारे अभी जो ट्रेंड में है जो चल रहा है आपके पास स्टॉक में, तो फिर उन सारे कपड़ों का आप क्या करेंगी? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो सर्दी एज सच इतनी आती नहीं है, और अगर आती भी है तो वो शॉल वगैरह से कवर हो जाती है। लोग कराची में लोग जो हैं वो ड्रेसेस पर इस तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि ये अब उठा कर ये वेडिंग विंटर वेडिंग के हैं, ये वेडिंग समर वेडिंग के हैं, जो समर वेडिंग में पहन रहे हैं वही विंटर वेडिंग में चल जाते हैं। हाँ, अगर आप देखें लाहौर वगैरह साइड पर या हमारे इस्लामाबाद साइड पर, वहाँ के क्लाइंट्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट डिमांड करते हैं कि हाँ हमारे मतलब जैसे अगर शादी आ रही है तो सर्दियों में आ रही है तो हमें उस हिसाब से स्टफ चाहिए, तो फिर उन्हें उस हिसाब से स्टफ देना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे अभी गर्मी है तो गर्मियों में अगर लाइट स्टफ है तो लाइट कलर्स भी हो जरूरी है ये? नहीं, जरूरी नहीं है, आप डिपेंड करता है कि आपकी पार्टी किस तरह की है। कुछ पार्टीज आजकल तो थीम पार्टीज चलती हैं कि थीम होती है कि किस कलर का ड्रेस वेयर करना है। अगर नाइट है, नाइट वेयर में तो रेड्स भी चल जाता है, ब्लैक है, नेवी ब्लू साइड पर भी आप जा सकते हैं, ब्लूज में भी जा सकते हैं, पेस्टल ग्रीन्स में भी जा सकते हैं, बट शाम के टाइम पर थोड़ा मीडियम कलर्स अच्छे लगते हैं। मतलब किस टाइम से किस वक्त तक अगर आप कहीं जाए तो वो मीडियम कलर्स वेयर करें, मुझे भी पता है, मैं नाजिन को भी बताती चलें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिजाइनर है डिजाइनर की बात कुछ और होती है और एक जो नॉर्मल घरेलू खवातीन है उनको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, जितनी भी हो जाए मतलब देख देख कर सीख लेती हैं या टीवी में देख लेती हैं कुछ इस तरह से, बट वो वाली बात नहीं आती है फिर भी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई डिजाइनर होता, ऐसा होता तो हर कोई नॉर्मल घरेलू खवातीन होती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपकी वो होती है ना स्पेशलिटी होती है कि जब आपको इनवाइट किया जाता है या आपसे पूछा जाता है या आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, वरना वो नॉर्मल शॉप से भी जाकर ले सकते हैं। एग्जैक्टली, बट मैं ये कहती हूँ कि हर शख्स को अपने बारे में खुद अवेयरनेस होनी चाहिए जी, कि वो क्या वेयर करेगा तो उसको उसका किस तरह का लुक निकल कर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई खातून जो है वो बहुत स्लिम सी है तो वो उस हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दें कि वो बहुत चौड़ी चौड़ी लगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपने कट क्या पहना हुआ है। अब एवरी टाइम फ्रॉक्स नहीं चल सकती है, समटाइम्स आप उस घर में नॉर्मली हम स्ट्रेट शर्ट्स वेयर कर रहे होते हैं या एलाइन शर्ट्स वेयर कर रहे होते हैं तो उनमें आपको डिजाइन देखने होते हैं, उनमें आपको लाइनिंग्स देखनी होती हैं, उनमें आपको प्रिंट्स चेक करने होते हैं कि आप किस प्रिंट में पतले लगेंगे। तो कैसे प्रिंट्स होने चाहिए जिसमें मतलब जो बल्कि औरतें होती हैं चबी टाइप औरतें मतलब लड़कियां भी होती हैं बहुत सारी, तो वो किस तरह के प्रिंट्स लिया उन्हें हैं? बड़े फ्लोरल प्रिंट्स बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, वो मतलब छोटे प्रिंट्स पे, हाँ। या कैरी या कुछ सर्कल टाइप होता है, इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन ना। अच्छा जी, सर्कल्स भी हैं तो अगर बड़े सर्कल्स हैं तो ऑब्वियसली आपका लुक बड़ा बड़ा सा आएगा, लेकिन आप जो भी है वो छोटे प्रिंट्स पहने। और प्रेजेंटेबल तो ये होता है कि अगर आपने अपने आप को स्लिम लुक देना है तो थोड़ी वर्टिकल लाइंस में पहने, उससे आपका लुक थोड़ा टॉल भी आता है और थोड़ा स्लिम भी लुक आता सही है। और इसके अलावा ठीक है, अभी मैं बात हम कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारे ब्रेक का टाइम आ चुका है तो हम जाते हैं अपने ब्रेक पे। जी नाजरीन, हमारी इस ब्रेक का टाइम हो चुका है तो हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।